अरे भाई मोदी जी मुझे यहीं पे उतार दो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, उतार दो मुझे यहीं पे। अरे कहां से मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ गया, तुमने तो ये कहा था 3 सवारी बैठा लूंगा मोटरसाइकिल पे, कहां से मैं आधे किराए के चक्कर में फंस गया तुम्हारे साथ। अरे भाई उबैसी जी तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, मोदी जी एक जगह से दूसरी जगह सवारी ढोने का काम मोटरसाइकिल से करते हैं और आधा किराया लेते हैं। जो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो से अगर 100 रुपए का किराया लगेगा तो मोदी जी मुश्किल से 40 रुपए में तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं, लेकिन भाई सवारी इतनी बैठालते हैं ये, अपनी मोटरसाइकिल पे कम से कम 6-7 सवारी बैठालते हैं ये। लेकिन भाई अखिलेश ये झूठ क्यों बोल के बैठालते हैं सवारियों को अपनी गाड़ी पे? अरे मुझे भी कुतुब मीनार देखने के लिए जाना था, ऑटो वाला मुझसे 150 रुपए मांग रहा था, इन्होंने बोला 50 रुपए में छोड़ देता हूँ तुम्हें। भाई इस तरीके से 50 रुपए में कुतुब मीनार देखने का क्या फायदा, इससे तो मैं ऑटो से ही 150 रुपए खर्च करके चला जाता। मुझे इन्होंने मोटरसाइकिल की तेल की टंकी पर बैठा रखा है। अरे केजरीवाल कैसी घटिया बात कर रहे हो, ये बताओ मैंने तुम्हारा फायदा नहीं कराया? तुम कुतुब मीनार 150 रुपए में ऑटो से जाते, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में ले जा रहा हूँ, 100 रुपए का फायदा कराया कि नहीं कराया? भाई जिसके पास ऑटो है वो ऑटो से सवारी ढोता है, मेरे पास तो भाई मोटरसाइकिल है छोटी मोटी, उसी से सवारी ढो के गुजारा कर लेता हूँ। अरे अगर 1-2 सवारी बैठा लूंगा मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, गुजारा हो जाएगा मेरा, तेल का खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा और चालान होने का डर अलग रहता है। अरे योगी जी इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये चालान काट देंगे। अरे भाइयों को अगर ये पूछे कौन हो तुम लोग, ये कहना हम एक ही घर के सब लोग हैं। रोको भाई रोको रोको रोको, अरे तुम तो वो ही हो जो परसों मुझे मिले थे और अपनी मोटरसाइकिल पे आज ही की तरह 8-10 सवारी बैठाले हुए थे, लेकिन उस दिन तो तुम ये कह के बच गए थे कि हम सब लोग एक ही घर के भाई हैं और शादी में खाना खाने के लिए इकट्ठा होके जा रहे हैं, आज तो ये बहाना नहीं बताओगे? अरे योगी सर जी मोदी जी ने यही तो बोलने को बोला है आपसे कि ये कह देना कि हम सब लोग एक ही घर के आदमी हैं। भाई साहब हम एक घर के आदमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर पैसे कमाते हैं हमसे किराया लेकर। अरे भाई साहब कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लिया, तुमने तो पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया इंस्पेक्टर जी के सामने, अब चालान नहीं बचेगा, चालान कटेगा ही कटेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।